हेलो फ्रेंड्स, शुभ्रास लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मसाला भिंडी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको दिखाऊंगी कि घर का बना साधारण सी ये भिंडी की सब्ज़ी को आप कैसे बिल्कुल अलग एक डिफरेंट टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए पैन में ऑयल गरम कर लिया है। अभी हम डालेंगे 1/2 टीस्पून साबुत जीरा और 1 पिंच हींग मिला देंगे। अभी एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल देते हैं। गैस को सिम में रख के प्याज नरम होने तक भून लेते हैं। देखिए प्याज नरम हो चुका है। अभी इसमें डालते हैं 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी मिला देते हैं। अभी रूटीन के मसाले डालेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर मिला देंगे। एक छोटे साइज का टमाटर लिया है, इसे भी मिला देंगे। नमक मिलाएंगे स्वादानुसार। सारे मसालों को अच्छी तरह मिला के लीड लगा के 5 मिनट के लिए होने देंगे। गैस सिम में रहेगा। देखिए 5 मिनट हो चुकी है और मसालों से ऑयल सेपरेट हो चुका है। प्याज और टमाटर को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। मसालों को थोड़ा चला देंगे और अभी हम इसमें डालेंगे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ लेडीज़ फिंगर। मिला देंगे। लीड लगा के 5 से 7 मिनट तक होने देंगे। देखिए 5 मिनट हो चुकी है और भिंडी हमारी पक चुकी है। थोड़ा चला देते हैं। भिंडी की सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है। भिंडी पकने में बिल्कुल टाइम नहीं लगती है। अभी इस सब्ज़ी को अलग टेस्ट देने के लिए मार्केट से लाया कोई भी मसाला, जैसे चिकन मसाला, छोले मसाला, मीट मसाला, दम आलू मसाला, जो आपके पास अवेलेबल हो वही 1 टीस्पून डाल दीजिए। आज मैं मीट मसाला यूज़ करूँगी। लगभग 1 टीस्पून डाल देते हैं। इस मसाले को हमें बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है। इसे सब्ज़ी के साथ मिला के लीड लगा के 2 मिनट के लिए रख दीजिए। इस तरह से अलग अलग दिन अलग अलग मसालों के साथ आप भिंडी की सब्ज़ी बना सकते हैं। सभी मसालों के साथ ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। शादी में बनने वाली स्पेशल मसाला भिंडी की रेसिपी मेरे चैनल पर है। मैं ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक डाल दूंगी। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। मसाला भिंडी बनके तैयार है। रोटी या पराठा के साथ ये बहुत टेस्टी लगती है। बच्चों को आप टिफ़िन में भी दे सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।